गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन। बेटा, पहले के टॉपिक में हमने कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस किए थे और प्राइमरी फंक्शन में हमने दो पॉइंट किए थे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने अकाउंट्स पढ़े थे, एडवांसिंग लोन जो सेकंड पॉइंट था उसमें हमने लोन की टाइप्स पढ़ी थी। तो अब के टॉपिक में हम कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंडरी फंक्शन में इसका पहला फंक्शन है एजेंसी फंक्शन में इसका पहला पॉइंट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बेटा, बैंक जो है अपने एजेंसी के फंक्शन में क्या करता है, वेरियस लेवल की जितनी भी आइटम्स हैं उन आइटम्स की कलेक्शन में और उन आइटम्स की पेमेंट में बैंक हमारी हेल्प करता है। अब बैंक कलेक्ट चेक, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे चेक को कलेक्ट करता है, रेंट को कलेक्ट करता है और इंटरेस्ट को कलेक्ट करने का काम करता है एंड पे टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस, और अपनी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग टैक्सेस को पे करता है, इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी पे करता है। इसका मतलब जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के देने के बाद टैक्स को भी पे करता है, इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी पे करता है। तो बैंक का सेकेंडरी फंक्शन में जो पहला फंक्शन है एजेंसी का फंक्शन, उसमें बैंक क्या करता है, वेरियस लेवल की आइटम्स को कलेक्ट भी करता है और उनकी पेमेंट का काम भी करता है। सेकंड, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक क्या करता है बेटा, सिक्योरिटीज को खरीदने का और बेचने का काम करता है, सिक्योरिटी की परचेजिंग का भी और सिक्योरिटी को सेल करने का, बेचने का भी काम करता है। अब बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को खरीदने का काम भी करता है और सिक्योरिटी को बेचने का काम भी करता है। सिक्योरिटीज में क्या होते हैं बेटा, शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं। इसका मतलब कंपनीज के मालिकों के जितने भी शेयर्स होते हैं वो बैंक के पास भेज देते हैं और बैंक जो है अपने बिहाफ पे जो कस्टमर उसके पास आते हैं उनको वो कहता है कि ये सिक्योरिटीज हैं, इन सिक्योरिटी को खरीदना है तो खरीद भी सकते हो और यदि बेचना है तो बेच भी सकते हो। तो बैंक जो है कस्टमर की सिक्योरिटीज को खरीदवाने में और सिक्योरिटीज को बिकवाने में भी यहाँ पर बैंक जो है प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है। उसके बाद है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक जो है यहाँ पर ट्रस्टी के रूप में और एक एग्जीक्यूटर के रूप में भी, बैंक जो है ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के रूप में भी यहाँ पर रोल प्ले करता है। एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी का क्या मतलब है, संरक्षक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में भी एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे किसको क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है ये काम भी बैंक करता है। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर कस्टमर बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर फॉर देयर एसेट्स। बैंक जो है अपने कस्टमर की एसेट्स की एक ट्रस्टी के रूप में और एक एग्जीक्यूटर के रूप में रक्षा करता है, एक संरक्षक के रूप में उसके एसेट्स को संभाल कर रखना है, कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट करना है ये काम जो है बैंक के द्वारा किया जाता है। और ये काम बैंक का सेकेंडरी लेवल के फंक्शन में एजेंसी फंक्शन में है जिसका नाम क्या है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। उसके बाद है फोर्थ, रेमिटेंस ऑफ
को ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, रिमिटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज आल्सो डन बाय द बैंक्स। मनी को एक प्रॉपर प्लेस से दूसरे प्रॉपर प्लेस तक ट्रांसफर करने में भी बैंक मनी को रिमिट करने का काम भी सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी के फंक्शन में करता है। और ये कैसे मनी को एक प्लेस से दूसरे प्रॉपर प्लेस तक ट्रांसफर करता है, इसमें बेटा ड्राफ्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। दिस इज डन थ्रू बैंक ड्राफ्ट। ये काम किसके जरिए किया जाता है, ड्राफ्ट के जरिए किया जाता है। उसके बाद है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन लेवल की एक्सचेंज को खरीदने और बेचने का काम भी बैंक करता है, और ये काम भी बैंक के सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी के फंक्शन में आता है। बैंक एनकरेज द फॉरेन ट्रेड बाय सेलिंग एंड परचेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को खरीद के और बेच के फॉरेन लेवल के ट्रेड को बैंक एनकरेज करता है, फॉरेन लेवल के ट्रेड को प्रोत्साहन देता है। कैसे बेटा, जनरली दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द फॉरेन कॉमर्शियल बैंक। ये काम बेटा ज्यादातर फॉरेन लेवल के कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा किया जाता है, या सम ऑथोराइज्ड ब्रांचेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कुछ पब्लिक सेक्टर के ऑथोराइज्ड ब्रांचेस भी ये काम करती है। इंडियन लेवल के जो हमारे कॉमर्शियल बैंक भी हैं, वो भी ऐसा काम करते हैं। फॉरेन लेवल की एक्सचेंज को परचेज और सेल करने का काम भी एजेंसी के फंक्शन में कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में किया जाता है। क्या फॉरेन लेवल के ट्रेड को एनकरेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है, इसमें फॉरेन लेवल की कॉमर्शियल बैंक भी रोल प्ले करते हैं, ऑथराइज्ड लेवल की कुछ ब्रांचेस जो पब्लिक सेक्टर की हैं, जो हमारे इंडियन कॉमर्शियल बैंक की हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती हैं। उसके बाद है लेटर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के लेटर के रूप में भी बैंक यहाँ पर हमारी हेल्प करता है। बैंक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ देयर कस्टमर टू द ट्रेडर्स ऑफ द सेम और अदर कंट्रीज। बेटा सेम कंट्री में या दूसरे देशों में किसी भी कस्टमर की या किसी भी ट्रेडर की फाइनेंशियल लेवल की यदि हमने कंडीशन देखनी है, तो उसके फाइनेंशियल लेवल की कंडीशन को बताने में भी यहाँ बैंक हमारी हेल्प करता है। इन द सेम मैनर बैंक कलेक्ट द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स ऑफ सेम और अदर कंट्रीज फॉर देयर कस्टमर। अपने कस्टमर के लिए किसी दूसरे देश के व्यापारियों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी दूसरे देश के ट्रेडर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये अपने कस्टमर के बिहाफ पे उनके लिए ये इंफॉर्मेशन लाने का काम लेटर ऑफ रेफरेंस के जरिए करता है। उसके बाद बेटा सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन में दो और फंक्शन है। सेवंथ नंबर का जो काम है एजेंसी में बैंक ड्राफ्ट का है और पे ऑर्डर का है। बेटा बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, मनी को एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ट्रांसफर करना है तो बैंक ड्राफ्ट हमारी हेल्प करता है, और पे ऑर्डर एक ही टाउन के अंदर मनी को ट्रांसफर करने में पे ऑर्डर रोल प्ले करता है। बेटा ये टॉपिक आगे काफी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का डिटेल मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर एजेंसी के फंक्शन में दो और फंक्शन भी हैं, जिनका नाम क्या है, एक तो है बैंक ड्राफ्ट और एक क्या है पे ऑर्डर। तो ये बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर मनी को ट्रांसफर करने में रोल प्ले करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन में हमने एजेंसी फंक्शन में पॉइंट किए थे क्या क्या, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, रेमिटेंस ऑफ मनी,
परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेटर ऑफ रेफरेंस। और ये दो पॉइंट जो सेवंथ और एट्थ हैं, बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, ये बेटा हम अगले लेक्चर